नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी इंडियन पॉलिटी को लेकर। आज हम इंडियन पॉलिटी में दो चैप्टरों को समझने की कोशिश करेंगे। एक समझेंगे हम न्यायिक सक्रियता, और एक न्यायिक सक्रियता का एक भाग है जो जनहित याचिका है। उन दोनों को हम समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, हल्के सरसरी तौर से सिंपल भाषा में इसको समझेंगे, और वास्तव में डिटेल से हम समझेंगे जनहित याचिका क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है जनहित याचिका, आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। और यूं देखें तो जनहित याचिकाएं बार बार सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है, हाई कोर्टों में भी जनहित याचिका लगाई जाती है। तो इन जनहित याचिकाओं की वजह से बड़े बड़े फैसले आए। तो आखिर है क्या ये जनहित याचिका, इसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा हो सकती है, न्यायिक सक्रियता कैसे आई है, कहां से आई है, इन सब प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो, न्यायिक सक्रियता को पढ़ने से पहले आपने भगवत गीता में एक श्लोक जरूर सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य, और उस श्लोक को यहां से जोड़ूंगा। और श्लोक में का जो अर्थ है वो ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस समय मैं अपने आप को खुद प्रकट कर दूंगा और फिर मैं खुद आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये जो श्लोक है वो कहा था, और ये न्यायिक सक्रियता के मामले में बड़ा फिट है। इस यदि श्लोक को, इस अर्थ को मैं यदि न्यायिक सक्रियता के हिसाब से बताऊं कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि का मतलब है कि जब जब कानून का राज प्रभावित होता है, या कानून का राज समाप्त होता है, या संविधान के अनुसार कानून नहीं चलता है, और अधर्म की वृद्धि होगी, अर्थात अव्यवस्था पैदा होगी, उस समय मैं कौन न्यायपालिका है, अपने आप को खुद प्रकट कर लूंगी, और या फिर मैं खुद आऊंगी। अर्थात जब जब कानून की व्यवस्था नहीं होगी, जब जब कानून का राज में गड़बड़ होगी, तब तक न्यायपालिका आगे आकर काम करेगी। और यही सारांश है आपकी न्यायिक सक्रियता का। तो न्यायिक सक्रियता क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे। तो न्यायिक सक्रियता के इतिहास की मैं बात करूं तो न्यायिक सक्रियता का इतिहास देखिए, तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, और यह शब्द पहली बार 1947 में अमेरिका के एक इतिहासकार और एक एजुकेटर जिनका नाम था आर्थर स्लेसिंगर ने यह कहा था। न्यायिक सक्रियता की जो बात है उन्होंने कही थी, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति थे आर्थर स्लेसिंगर। तो आर्थर स्लेसिंगर जूनियर जो थे, उन्होंने सबसे पहले न्यायिक सक्रियता की बात की थी, उनके द्वारा प्रयोग में लिया गया था 1947 में। उसके बाद में भारत में भी न्यायिक सक्रियता की बातें आने लगी। जब हम अपने देश की बात करें तो भारत में न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को 1970 के दशक के मध्य में प्रयोग किया गया था। 1975-80 के लगभग की बात है, 70 का दशक की बात है। तो 70 के दशक में न्यायिक सक्रियता को काम में लिया गया, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जज जो है उनमें वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, जो कि महत्वपूर्ण है जनहित याचिका के सबसे प्रसिद्ध जो जज थे वो थे पी एन भगवती। इसके अलावा ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी ए देसाई न्यायिक सक्रियता की नींव रखने वाले जजों में से थे। पी एन भगवती का नाम महत्वपूर्ण है, इनमें से पी एन भगवती ने ही सबसे पहले जनहित याचिका को स्वीकार किया था। तो एक यूं समझ सकते हो आप कि जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता आपस में मिले जुले हैं। देखो, कल हमने पढ़ा था न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का वीडियो आपने देखा होगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन में भी न्यायिक सक्रियता झलकती है, और जनहित याचिका भी एक न्यायिक सक्रियता का भाग है। तो ये इतिहास की हमने बात की कि न्यायिक सक्रियता क्या है, तो एक केस को समझते हैं, उसके बाद में आप समझोगे कि वास्तव में न्यायिक सक्रियता क्या है। एक खदानों के मजदूरों की दुर्दशा का एक केस था, ध्यान से समझा। न्यायिक सक्रियता बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस आया था 1984 में। इसमें बंधुआ मुक्ति के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सूचित किया कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित पत्थर खदानों में भारी संख्या में मजदूर अमानवीय और असहाय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। देखो, हरियाणा का यह मुद्दा है 1984 में केस दायर हुआ था, जो न्यायिक सक्रियता का एक जीता जागता उदाहरण था। और इसमें कहा गया कि हरियाणा के जो पत्थर की खदानें हैं उनमें मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, और ये सही नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, और उन पर कुछ ध्यान देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो ये केस दायर हुआ 1984 में भारत संघ बनाम मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक संगठन था उसके नाम से। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को
कई मानक अपनाने के अलावा मजदूरों के पुनर्वास के निर्देश दिए और सरकार को उन आदेशों के अनुसार मजदूरों का पुनर्वास और जो खान थी, खनन था, उसमें एक सुविधाजनक, सम्मानजनक माहौल पैदा करने का निर्देश दिया। यहां देखे तो वास्तव में तो खानों में काम करने के जो मजदूर है उनके लिए व्यवस्थित कानून बनाने का काम विधायिका का, व्यवस्थापिका का है, उनको लागू करने का काम कार्यपालिका है। लेकिन यहां देखे तो न्यायपालिका आगे बढ़कर उनके लिए सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है। यही क्या है न्यायिक सक्रियता। देखो सक्रियता शब्द ही ऐसा है, देखो जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि क्लास में बच्चों को होमवर्क दिया, बच्चों ने होमवर्क किया, ये सक्रियता नहीं कह सकते, वो अपना काम कर रहे हैं वो सक्रियता नहीं। लेकिन जब एक्स्ट्रा काम करे जो वास्तव में नहीं करे तो भी चल जाए, लेकिन एक्स्ट्रा काम करे कि बच्चे ने होमवर्क किया साथ में क्लास की सफाई से सुंदरता से क्लास को सजा रखा है, तो वहां एक्टिविज्म आता है और यही एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म जो न्यायिक सक्रियता है उसकी श्रेणी में आता है। तो न्यायपालिका ने एक केस में देखा आपने कि न्यायपालिका की सक्रियता दिखी। एक दूसरा केस और देखते हैं, ताजमहल संरक्षण का केस था। ताजमहल संरक्षण न्यायिक सक्रियता का दूसरा केस है। पर्यावरण कार्यकर्ता एक थे MC मेहता ने ताजमहल के प्रदूषण को बचाने के लिए अदालत में एक याचिका डाली और इस याचिका के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने ताज प्रकोटे को, ताजमहल आगरा के ताजमहल का जो प्रकोटा है उसके अंदर आने वाले सभी उद्योगों द्वारा कोयले के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इससे ताजमहल काला हो रहा था। तो ताजमहल के इर्द गिर्द 2,00,000 पौधारोपण का भी आदेश दिया। दोनों केसों में देखिए तो न्यायपालिका की सक्रियता दिखती है। पहले केस में मजदूरों के पुनर्वास के लिए आदेश दिया, दूसरे केस में देखे तो ताजमहल के आसपास के जो कोयले के कारखाने थे जहां कोयला उपयोग आ रहा था उनको बंद कर दिया और 2,00,000 पौधे लगाने का आदेश दिया। दोनों केसों में न्यायिक सक्रियता झलकती है। तो अब आपके कुछ कुछ समझ में आया होगा कि न्यायिक सक्रियता है क्या। न्यायिक सक्रियता का मतलब यह है कि न्यायपालिका है आगे बढ़कर समाज से जुड़े हुए, देश के नागरिकों के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर आगे बढ़कर डिसीजन दे, सरकार को इंस्ट्रक्शन दे, तो वो न्यायिक सक्रियता है। देखो न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक सक्रियता एक्टिविज्म में अंतर होता है। देखो कल हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू पढ़ा था हमने और आज हम पढ़ रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो वास्तव में अंतर क्या है, देखो सिंपल भाषा में बताऊं तो न्यायिक समीक्षा कल हमने पढ़ी, तो इसका अर्थ होता है एक कानून या आदेश की समीक्षा वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति कि ये कानून वैध है कि नहीं, को जो कानून बना वो वैध है कि नहीं, संविधान के अनुसार है कि नहीं, तो इसकी जो जांच करते हैं वो है न्यायिक समीक्षा। लेकिन दूसरी ओर न्यायिक सक्रियता की बात करें तो ये इस संदर्भित करता है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग मुखर और लागू होने से क्या इसका लाभ बड़े पैमाने पर सामान्य लोग और समाज को मिल पा रहा है कि नहीं। ध्यान से समझना मोटे मोट अंतर क्या है भाई। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है, जुडिशियल रिव्यू ये कहता है कि भाई जो भी कानून बना है संसद ने, विधायिका ने कोई भी कानून बनाया है वो क्या वैध है या संविधान के अनुसार है, इसकी समीक्षा की जाती है। जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या कहता है, वो ये कहता है कि कानून, इसमें ये नहीं देखा जाता कि कानून वैध है नहीं है, इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि भाई जो कानून बना हुआ है उससे जनता को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब देखो पहले केस में आपने देखा खदान में जो मजदूर थे उस मामले में देखा कानून तो बने हुए थे, या कानून नहीं भी बने हुए थे तब भी न्यायपालिका ने सरकार को आदेश दिया कि खदानों के जो मजदूर हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और खदानों में अच्छी सुविधाओं का विकास किया जाए। दूसरे मामले में भी देखा कि ताजमहल वाले मामले में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भाई ताजमहल के आसपास जो है जहां से पोल्यूशन हो रहा है उन फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए, जहां कोयले का उत्पादन हो रहा है वहीं से पोल्यूशन होता है और साथ साथ पौधारोपण करो। तो यहां ये नहीं देखा गया कि कानून वैध है कि, बस इस पर ध्यान दिया गया कि जनता को, भारत के लोगों को फायदा मिले, बड़े तबके को फायदा मिले, और इसीलिए न्यायिक सक्रियता अपनाई गई। अब देखो न्यायिक सक्रियता न्यायिक निर्णय लेने का एक ऐसा दर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां न्यायाधीश संविधानवाद की बजाय सार्वजनिक नीति के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करते हैं। ध्यान से समझना, यदि परिभाषा आपको UPSC के मेंस में यदि परिभाषा लिखनी हो तो आपको 10-15 शब्दों में एक परिभाषा लिखनी होती है। तो यहां आप देख सकते हो कि न्यायिक निर्णय लेने का एक ऐसा दर्शन
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां न्यायाधीश संविधानवाद की बात नहीं करता, संविधानवाद की बात केवल जुडिशियल रिव्यू में होती है, लेकिन इसमें सार्वजनिक नीति के बारे में अपने कि सार्वजनिक नीति कैसी होनी चाहिए, नीति का मतलब जो अच्छी बातें जहां जनता की भलाई हो उसके प्रति व्यक्तिगत विचार प्रकट किया जाता है, और वो न्यायिक सक्रियता की श्रेणी में आता है। देखो न्यायिक सक्रियता कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, मैंने और उसको शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की कि न्यायिक सक्रियता, लेकिन सबसे जो मोस्ट टॉपिक बनता है वो है भाई ये जनहित याचिका, जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक PIL भी बोलते हैं इसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो बोलते हैं जनहित याचिका, इसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में डीपली कि वास्तव में जनहित याचिका क्या होती है। तो देखो जनहित याचिका की मैं बात को स्टार्ट करूं तो सबसे पहले इसका परिचय देखें तो जनहित याचिका भी न्यायिक सक्रियता की तरह है, जो जनहित याचिका जिसको PIL कहा जाता है, मानव अधिकार और समानता को आगे बढ़ाने और व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दे को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। जनहित याचिका वास्तव में है क्या? जनहित याचिका यह है कि इससे मानव के अधिकारों का प्रोटेक्शन मिले, साथ ही समानता को आगे बढ़ाया जाए और व्यापक सार्वजनिक चिंता की सार्वजनिक सबकी भलाई। देखो PIL पब्लिक प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है लोगों की भलाई, इंटरेस्ट PI का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, लिटिगेशन याचिका, तो जनता की जहां भलाई से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जनता से बहुत सारे एक वर्ग को फायदा मिले उस एवज में PIL दायर की जाती है, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की बात होती, समानता जैसे मुद्दों की बात होती, समानता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और साथ ही व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दे होते हैं, व्यापक सार्वजनिक चिंता जिसमें लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखकर PIL दायर की जाती है। अभी जो जो वीडियो आगे बढ़ेगा त्यों त्यों आपके समझ में आएगा कि वास्तव में सार्वजनिक चिंताएं क्या है, तो इसको आप समझेंगे तो ये परिभाषा देख सकते हैं। जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको PIL कहा जाता है, क्या उदाहरण अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली गई, तो आप न्यायिक सक्रियता की बात कर लो चाहे PIL की बात कर लो, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय कानून में PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना। देखो PIL का फुल फॉर्म की में पता चला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है जनहित की सुरक्षा के लिए जो याचिका या मुकदमा दर्ज किया जाता है उसको PIL, जनहित खुद के लिए नहीं, ध्यान से समझना इसको, खुद के लिए दायर नहीं होता है, ये किसके लिए होता है? जनता की भलाई के लिए, और जनता की भलाई का मतलब एक किसी वर्ग, कम से कम एक वर्ग की भलाई हो, खुद के फायदे के लिए नहीं होता है, मैं मेरे खुद के अधिकारों का हनन होता है तो मैं आर्टिकल 32 या 226 के तहत हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, विभिन्न प्रकार की रिटें जारी करता है आर्टिकल 32 और 226 के तहत, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, लेकिन यदि मैं मेरे फायदे के लिए नहीं दूसरों के फायदे के लिए, जहां एक जनता नागरिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग के फायदे के लिए मैं कोर्ट में जाता हूं, तो मुझे एक नया प्रोसेस मिल गया है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो सबसे पहले जो संविधान था, संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि कोर्ट में वो ही व्यक्ति जाएगा जिसके साथ अन्याय हुआ है और उसकी सुनवाई होगी, लेकिन जब से न्यायिक सक्रियता आई तब से ये कहा गया कि कई भारत एक गरीब स्थिति का, अशिक्षित स्थिति का भी देश रहा हुआ है, तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते केस लड़ना, न जानते हैं कानून के बारे में, अशिक्षित है, तो ऐसे व्यक्तियों की फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, न्यायपालिका ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, यदि बहुत वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई समझदार पैसे वाला जागरूक शिक्षित व्यक्ति भी उनकी तरफ से केस लड़ सकता है, और यही क्या कहलाता है PIL। देखो यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। देखो ध्यान से समझना, इसमें पीड़ित व्यक्ति नहीं होता PIL में, या तो पीड़ित व्यक्तियों के संदर्भित को दूसरा व्यक्ति होता है जो पीड़ित खुद नहीं है, तो वो PIL दायर कर सकता है, या फिर न्यायपालिका खुद ही किसी मुद्दे को अखबार में कटिंग को पढ़कर, अखबार में पढ़कर भी वो उस पर सुनवाई कर सकती है PIL के आधार पर। तो PIL दोनों तरह के है, पीड़ित पक्ष नहीं होता बल्कि स्वयं न्यायालय खुद द्वारा या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा ही PIL हो सकता है। तो दो तीन चीजें हमने PIL की समझी,
अब देखो ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई सकती है, तो ये न्यायिक सक्रियता के अधीन आती है पीआईएल। न्यायिक सक्रियता का एक भाग है पीआईएल, जिसमें व्यक्ति दूसरों के हितों की भलाई के लिए प्रयास करता है या न्यायपालिका खुद एक्टिव होकर काम कर सकती है। इसमें इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में पीआईएल दायर नहीं की जा सकती, या तो हाई कोर्ट में जारी कर सकते हैं या जा सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसके अलावा अधीनस्थ कोर्ट पीआईएल अस्वीकार नहीं करते हैं। यह रिट याचिका से अलग है। ये जो रिट है वो याचिका, आप याचिका से अलग कैसे है भाई, आर्टिकल 32 के तहत आप याचिका कर सकते हो, 226 के तहत आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो और उसमें बहुत प्रकार की रिट जारी की जा सकती है जो व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है। जो 32-226 जो है उसमें व्यक्ति खुद अपने लिए दायर करता है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। तो देखो दोनों में अंतर है। कोई याचिका दायर करता है, पीआईएल दायर करता है, तो पीआईएल में अलग है और आप है रिट जारी करते हो तो उसकी प्रोसेस अलग होती है। रिट जो होती है वो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए होती है। यदि मेरे अधिकारों का हनन होता है तो मैं हाई कोर्ट भी जा सकता हूं, मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे के लिए जा रहा हूं तो ये अलग प्रोसेस है। इसको बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के आर्टिकल 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है। आर्टिकल 39A जो है नीति निर्देशक तत्वों में महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों में आपने पढ़ा था कि 39A कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को जो न्याय है वो मिले, बिना किसी भेदभाव के सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, आर्टिकल 39A कहता है। तो उसके अनुसार है ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा हो और उसे विस्तारित किया, सब लोगों को न्याय का माहौल मिले, यही तो आर्टिकल 39A कहता है। और जनहित याचिका का उद्देश्य भी यही आर्टिकल 39A की आत्मा है। तो 39A में जो कॉन्सेप्ट था, जो बात कही गई थी, उसी की पूर्ति कौन करती है, पीआईएल करती है। अब देखो वे क्षेत्र जहां जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जैसे कि प्रदूषण के मामले में दायर की जा सकती है, जैसे आपने पढ़ा ताजमहल का इशू पढ़ा था, आतंकवाद भी दायर की जा सकती है, अभी बात करूंगा, सड़क सुरक्षा के मुद्दे में बात की जा सकती है, निर्माण संबंधी खतरे आदि पर भी बात की जा सकती है, सड़क सुरक्षा पर भी बात की जाती है। कभी भी पीआईएल जारी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी रोड एक्सीडेंट में व्यक्ति यदि घायल है तो पहले क्या होते थे, डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते थे तो सोचते थे कि यार इसका इलाज किया जाएगा तो बहुत खर्चा आएगा, कौन किस स्थिति में है ये, तो अनाकानी करते थे डॉक्टर। लेकिन पीआईएल जारी हुई उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी डॉक्टर है इलाज से मना नहीं कर सकता। ये असर है पीआईएल का। तो पीआईएल के बहुत फायदे हुए हैं देश में, देखा जाए पीआईएल का इतिहास देखा जाए तो बहुत कुछ फायदे हुए हैं, कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। जैसे दुष्परिणामों में देखें तो दिल्ली का एक केस था जिसमें अभी मैं चर्चा करूंगा, दिल्ली में केस दायर किया गया कि दिल्ली के अंदर है जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो इस इकाइयों को बंद होना चाहिए। उसकी वजह से लगभग 20,000 मजदूरों का ध्यान नहीं रखा गया, उनको बाहर जाना पड़ा दिल्ली छोड़कर, उनकी समस्याओं का ध्यान। तो कई बार छोटी मोटी समस्याएं भी आती है, लेकिन बहुत कुछ फायदे भी है पीआईएल के। आगे हम बात को बढ़ाएंगे, तो बात को बढ़ाएं तो पीआईएल के कुछ अलग नाम भी है। इनको सामाजिक क्रिया याचिका भी कहा जाता है, क्यों, इसमें सामाजिक हित याचिका भी कह सकते हैं, इसमें वर्गीय क्रिया याचिका भी कहते हैं, इसको सोशल एक्शन पिटीशन भी कह सकते हैं, सोशल इंटरेस्ट पिटीशन भी कह सकते हैं, क्लास एक्शन पिटीशन के रूप में भी कुछ तीन नाम इसके दिए हुए हैं। ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं लेकिन इनको भी आपको याद रखना चाहिए। थोड़ा सा और एक मुकदमे की बात करते हैं कि वास्तव में पीआईएल की शुरुआत कब हुई, जनहित याचिका कब से प्रारंभ हुई। तो इसके देखे जाए तो ये एक मुकदमा आया था जिसका नाम था 1979 में एक मुकदमा आया था जिसको नाम था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का। याद रख लेना, यदि प्री एग्जाम में कभी सवाल पूछा जा सकता है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का केस आया था जिसमें विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित केस था। और इसमें अधिवक्ता द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छापे एक अखबार जिसमें बिहार के जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों के हाल वर्णित थे और इस आधार पर दायर किया गया। देखो केस की सिंपल सी भाषा में समझो कि देखो जो विचाराधीन कैदी क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की, अब चोरी की तो कोर्ट के पास इतने केस पड़े हैं, इतने केस, इतना कामकाज है
कि उसकी सुनवाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। और जो गरीब अशिक्षित व्यक्ति होते हैं जिनके पास वकील हायर करने का पैसा नहीं होता, तो उनको यदि मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की है और चोरी की मैक्सिमम सजा है 6 महीने की, अब चोरी करता है वो व्यक्ति पकड़ा गया और उसको डाल दिया गया जेल में, अब जेल में सुनवाई चलती रहती है, उसका फैसला नहीं आता है। अब बिहार में ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो छोटे छोटे सजाओं में जेल में पड़े थे, विचाराधीन कैदी थे और उनका डिसीजन नहीं आया था। अब मान लो चोरी के केस में किसी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया, वो विचाराधीन कैदी होता है और उस पर फैसला आना बाकी होता है। अब मान लो उस व्यक्ति ने चोरी की, 2-3 साल तक केस चलता रहा, तो उसने 3 साल केस फैसला आने से पहले ही जेल में पड़ा रहा, और 3 साल बाद में जब फैसला आता है तो कि 6 महीने की सजा होगी, तो भाई उसने तो 3 साल झेल लिए ना। अब ये 3 साल, समझ रहे हो मेरी बात को, यही केस बिहार में आया था। बिहार में एक बार अखबार में खबर छपी थी कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनको जो सजा के लिए इंतजार कर रहे हैं और उनको जो सजा होनी है उससे कहीं ज्यादा सजा वो जेल में पड़े पड़े भुगत चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इसी खबर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1979 में एक PIL दायर हुई और यहीं से PIL या जनहित याचिका का इतिहास स्टार्ट हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस समय जज थे PN भगवती, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मुकदमा का जब फैसला हुआ तो उसकी एवज में 40,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया और त्वरित न्याय को एक मौलिक अधिकार माना गया। और कोर्ट ने माना कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है उसमें जल्दी से उसको न्याय मिले, ये उसका अधिकार है। और 40,000 व्यक्ति ऐसे है जिनको 6 महीने की 12 महीने की सजा होनी थी, लेकिन पड़े हैं बेचारे 5 साल से 7 साल से 8 साल से, कोई पूछने वाला ही नहीं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये पहली PIL जारी हुई जो उन कैदियों को नहीं दिया जा रहा था, इस सिद्धांत के बाद केसों में भी स्वीकार किया गया। ये पहली बार आया और उसके बाद में एक जनहित याचिका की शुरुआत भारत में हुई। तो कौन सा केस था पहला? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का जो केस था। क्या केस था, कहानी मैंने समझाई, जज कौन थे? PN भगवत। साल था 1979 का। उसके बाद में बहुत सारी जनहित याचिकाएं दायर हुई। देखो PIL होती क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, ध्यान से समझना। PIL जो होती है, जनहित याचिका जो होती है, गरीब और उपेक्षित जनता तक कानूनी सहायता पहुंचाने का एक मानवीय तरीका है। देखो PIL अब दायर कौन करेगा? मेरे साथ अन्याय हुई, आपके साथ अन्याय हुई, तो आप यदि पढ़े लिखे होशियार हो, आपके पास वकील करने का हायर करने के पैसे है, तो आप सीधे आप अपने अधिकारों का हनन नहीं होने दोगे। लेकिन मान लो गरीब है, अशिक्षित व्यक्ति है, तो उनके अधिकारों की रक्षा का एक सशक्त माध्यम है PIL, जिसमें जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्यों का प्रवर्तन करने और सामूहिक अधिकार और हितों के रक्षण के लिए न्यायालय याचिका दाखिल की जा सकती है। तो ये किन लोगों के लिए है? खुद के लिए नहीं है, मैंने पहले ही बताया। किन के लिए है? जो कमजोर वर्ग है उनको फायदा सबसे ज्यादा इसमें मिलता है। जैसे कैदियों का मसला देखा, वो कमजोर व्यक्ति थे, आजकल तो देखा है कि अग्रिम जो संपन्न व्यक्ति है उनको तो अग्रिम जमानत मिल जाती है, और कुछ देश में ऐसे भी लोग होते हैं जो सजा 6 महीने की होनी है किसी केस में, लेकिन 3-4-5-6 साल तक वो विचाराधीन कैदी के रूप में पड़े रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये उन व्यक्तियों के लिए है जो गरीब अशिक्षित है, और इनके लिए यदि वो नहीं लड़ रहे हैं तो आप लड़ सकते हो, आप उनकी तरफ से PIL दायर कर सकते हो, अच्छा साधन है। दूसरी बात करें तो सामान्य मामलों में जिनमें दो याचिकाकर्ता पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ सहायता का दावा करता है, PIL एक अलग प्रकार का वाद होता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं कर सकता, बल्कि इसका आशय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने और रक्षा करने होते हैं। जैसे केस लड़ते हैं तो एक व्यक्ति होता है, उसका अपोजिट होता है दूसरा व्यक्ति, कि इसने मेरे अधिकार छीन लिए, इस प्रकार की PIL नहीं होती। PIL होती है सामने कोई व्यक्ति नहीं होता, ये सीधा सीधा बहुत बड़े वर्ग को फायदा पहुंचाने। जैसे मैंने बिहार केस आपने पढ़ा, तो बिहार केस में जो PIL दायर कर रहा था उसके सामने कोई नहीं था कि मेरे अधिकार छीन लिए, बस सीधी सी कहानी थी कि इन सबका भला होना चाहिए, इनके साथ अन्याय हो रही है। तो इसमें दोनों में अंतर है।
पीआईएल इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि उन लोगों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो गरीब और अशिक्षित है और सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन है। ऐसे लोगों का भी यदि गरीब होना कोई पाप नहीं है, गरीब है उसके पास भी अधिकार है, साधनहीन है उसके पास भी अधिकार है, अशिक्षित है उसके पास भी अधिकार तो है, मनुष्य तो है, नागरिक तो है भारत का, तो उनके पास भी अधिकार है और उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए ही जनहित याचिका होती है। देखो, जनहित याचिका के तहत किस प्रकार के मामले स्वीकार किए जा सकते हैं, ये नहीं है कि आप हर मामले में जनहित याचिका लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। कुछ मामले हैं जिनमें जनहित याचिका कहा गया कि इन मामलों में जनहित याचिका लगाए जा सकते हो। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आधारों पर पीआईएल दायर की जा सकती है, दिशा निर्देश दिए गए और इन दिशा निर्देशों में 2003 में कुछ संशोधन हुआ और इसके अनुसार जनहित याचिका के रूप में किन किन चीजों को स्वीकार किया जा सकता, वर्तमान में क्या स्थिति है, किन मामलों में जनहित याचिका लगा सकते हो। जब भी आपको पीआईएल लगानी है तो इन्हीं बिंदुओं पर आप पीआईएल दायर कर सकते हो। कौन कौन से बिंदु है, बंधुआ मजदूर या उपेक्षित बच्चे बच्चों के लिए जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पीआईएल दायर कर सकते हो। बंधुआ मजदूरी जो है उसके रोकथाम के लिए पीआईएल दायर कर सकते हो। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का मामला हो, नहीं मिल रही हो तो उस समय श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है तो इस मामले में पीआईएल दायर कर सकते हो। जेलों में कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी शिकायत कर सकते हो, ठीक है। मान लो किसी को सजा हो रखी है, उससे ज्यादा को जेल में पड़ा है तो उस मामले में, आपने बिहार वाले मामले देखा तो उस मामले में भी आप पीआईएल दायर कर सकते हो। पुलिस द्वारा कोई उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस उत्पीड़न कर रही है, पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु हो गई या पुलिस अत्याचार कर रही है तो इस मामले में भी पीआईएल दायर कर सकते हो। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ भी आप, जैसे वधु उत्पीड़न है, दहेज उत्पीड़न है, बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे महिलाओं के मामले होते हैं तो इनमें पीआईएल दायर की जा सकती है। ग्रामीणों के सह ग्रामीण द्वारा उत्पीड़न, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाओं में, कोई गाँव में बहुत सारे, जैसे पुराने जमाने में जो क्षत्रिय होते थे, राजपूत होते थे, कई गाँवों में अत्याचार होता था तो ऐसी स्थिति में भी आप पीआईएल दायर कर सकते हो। साथ ही पुलिस यदि एससी एसटी के साथ उत्पीड़न करती है तो उन मामलों में भी पीआईएल दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देशों में कहा है। दूसरी बात है पर्यावरण और परिस्थितियों के संबंध में भी याचिकाएं, औषधि और खाद्य पदार्थों की मिलावट संबंधी याचिकाएं, विरासत और संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, वन्य जीव और सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से। इसके साथ साथ ही आप पर्यावरण से संबंधित, जैसे ताजमहल के मामले में, जैसे दिल्ली के केस के मामले में बात की तो पर्यावरण और परिस्थिति के संबंध में, खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामले में ये याचिका दायर की जा सकती है। साथ ही विरासत स्थल या सांस्कृतिक स्थल है उनके मामले में, प्राचीन कलाकृतियां हैं या सार्वजनिक महत्व के कोई अन्य मामला है तो इन मामलों में भी दायर की जा सकती है। दंगा पीड़ितों की याचिका और पारिवारिक पेंशन संबंधी याचिकाओं पर भी पीआईएल, कहीं दंगा हुआ है, दंगा पीड़ितों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है, बार बार कोर्ट में सुनवाई चल रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इस मामले में भी पीआईएल दायर की जा सकती है। साथ ही पारिवारिक पेंशन संबंधी कोई याचिकाएं तो उसमें भी पीआईएल दायर की जा सकती है। तो देखो, बहुत सारी चीजें पीआईएल के संदर्भ में आती है, लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि पीआईएल उन्हीं मामलों में दायर की जा सकती है जहां बहुत बड़े क्षेत्र को, जहां दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके लिए दायर की जा सकती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी है जिनके में पीआईएल दायर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इन मामलों में पीआईएल दायर नहीं की जा सकती। कौन से वो मामले, तो पीआईएल कौन कौन से मामलों में दायर नहीं की जा सकती। मकान मालिक किराएदारों का मामला कोई हो कि मकान वाले को इतना ही किराया लेना चाहिए, जो किराएदार है उसको ये सुविधाएं देनी चाहिए, पीआईएल दायर कर दी। पीआईएल दायर कर दी, किसी व्यक्ति ने कहा कि किराएदार को ऐसी लगी हुआ मकान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना चाहिए क्योंकि ठंडा ठंडा मकान चाहिए, तो इस प्रकार की याचिका नहीं दायर कर सकते। दूसरी बात है केंद्र सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतों को छोड़कर, केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, केंद्र सरकार जैसे आप ये जारी नहीं कर सकते कि स्थानीय निकाय में सरपंच ने ये काम किया, पीआईएल दायर कर दो, उसमें आरटीआई के तहत आप पूछ सकते हो पीआईएल दायर दे, तो स्थानीय उपराग जो बिंदु बताए उनमें से तो जारी कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार के विभाग और स्थानीय निकायों के खिलाफ पीआईएल दायर नहीं कर सकते। मेडिकल और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के नामांकन से संबंधित कोई पीआईएल दायर नहीं,
इतना मेडिकल कॉलेजों में इतना नामांकन होना चाहिए, हॉस्पिटलों में ये बेड होने चाहिए, इस प्रकार की कोई पीएएल दायर नहीं कर सकते। जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के में दाखिल याचिका है, ये भी आप पीएएल दायर नहीं कर सकते। वास्तव में तो त्वरित न्याय व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, कोर्ट के पास इतना काम पड़ा है कि आप ये नहीं कर सकते कि सबकी सुनवाई 6 महीने में हो जानी चाहिए, ये भी आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते। तो पीआईएल दायर करने के कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, उन पर बिंदुओं पर पीआईएल दायर की जा सकती है और इन पर नहीं की जा सकती, सामान्य सी बातें थी। अब देखो बात करेंगे जनहित याचिका का सिद्धांत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के संबंधित कुछ सिद्धांतों का निरूपित किया जो निम्नलिखित है। कौन कौन से सिद्धांत है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल हाईकोर्ट का जो 226 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कल्याण में रुचि लेने वाले किसी भी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है अगर वो याचिका समाज से उस वर्ग से संबंधित है जो इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सके। देखो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में यदि व्यक्ति अपने लिए जाता है तो रिट जारी करता है, लेकिन यदि दूसरे के लिए जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसा माने कि इससे जनता की भलाई हो रही है, एक खास वर्ग जो दबा कुचला वर्ग है उसका भला हो रहा है, तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत पीआईएल स्वीकार कर सकता है, ये सिद्धांत बड़ा हुआ। दूसरी बात है, जब कभी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे या बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों का हनन से संबंधित मामला हो तो न्यायालय एक पत्र को भी पीआईएल के रूप में स्वीकार कर सकता है। ऐसे मामलों में न्यायालय प्रक्रियागत कानून और सुनवाई से संबंधित कानूनों में भी छूट देता है। देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने का एक प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का एक प्रोसेस होता है, ये सीधा नहीं है, मूल अधिकारों के मामले में जा सकते हो, कुछ अन्य मामलों में जा सकते हो, लेकिन यूं नहीं कि हर मामले में सीधे जा सकते हो, एक प्रक्रिया होती है, फाइल लगाते हैं, एक सुनवाई होती है, एक निश्चित प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सार्वजनिक महत्व का, जिसमें बहुत सारे लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करे तो आप एक लेटर के द्वारा भी पीआईएल जारी कर सकते हैं। यहाँ यदि आप चाहते हो कि बहुत बड़े वर्ग जो दबा कुचला वर्ग है जिनको मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसमें यदि सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है, मानता है कि वास्तव में इसको स्वीकार करना चाहिए, तो इस मुद्दे पर वो आपके एक लेटर से भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है जनहित याचिका के तौर पर। काफी इंपॉर्टेंट है, पत्र से पूरी प्रक्रिया छोड़ दी, और केस में आप पत्र लिख के नहीं कर सकते, आप कि आपने लेटर लिखा कि मेरे घर पे चोरी हो गई है मुझे न्याय चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पीआईएल के मामले में आप लेटर भी लिख सकते हो और उस लेटर को भी स्वीकार किया जा सकता है। अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास है कि उनको लगे कि स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये उस पर डिपेंड है, लेकिन इससे पत्र से भी स्वीकार किया जा सकता है पीआईएल को। जब लोगों के साथ अन्याय हो न्यायालय अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत कार्यवाही से नहीं हिचकेगा, साथ ही मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी ऐसे मामलों में एक उपयुक्त और निष्पक्ष मुकदमे का प्रावधान करता है। देखो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल जीवन से संबंधित अधिकार है जीवन, तो उस मामलों में भी वो पीआईएल के तहत कार्रवाई करेगा, और विश्व में माना गया है कि जनता को, लोगों को अधिक उचित अधिकार मिलने चाहिए, तो कन्वेंशन भी ये है कि लोगों को उचित न्याय मिले, आर्टिकल 39A में भी यही बात कही गई। जब न्यायालय प्रथम दृष्टया साधनहीन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आश्वस्त हो जाने पर वह सरकार को इस संबंध में किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता है, जैसा कि वो याचिका सही क्यों साबित हुआ है आदि। देखो जब न्यायालय में कोई पीआईएल दायर होती है तो साधनहीन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आश्वस्त हो जाए कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ है, जैसे खनन मामले में हमने पढ़ा, हरियाणा के मामले में, तो यदि एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त हो जाए, पीआईएल जब दायर की जाती है तो आश्वस्त हो जाए, तो वो सरकार को इस संबंध में किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता है, कि उसके बाद वो सरकार कहे कि हम तो ऐसा ही रखेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हम आगे सोचेंगे इसके बारे में। सरकार से कोई सुनवाई नहीं होती, सीधा सीधा डिसीजन आता है कि आपको इस मामले में करना ही है। बहुत पावरफुल बात आई है कि पीआईएल के मामले में सरकार से सुनने की बात नहीं है, पीआईएल में सीधा आदेश टाइप आदेश होता है कि आपको ये मामले में आपको कुछ करना है, करके दिखाना है इतने दिनों में, और ये फैसला है, तो इसमें सरकार को सुनने की आवश्यकता नहीं है। पीआईएल के प्रक्रियागत कानून ही लागू होते हैं, लेकिन पूर्व न्याय का सिद्धांत या ऐसे ही अन्य सिद्धांत लागू होगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि याचिका की प्रकृति कैसी है, साथ ही मामले से संबंधित तथ्य और परिस्थितियां कैसी है। देखो पीआईएल के तहत
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार की पीआईएल है और किस प्रकार उसका निर्णय करना है, किस कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, कौन सी उचित है कौन सी नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर होता है। सिंपल सी बातें थी। निजी कानून के तहत आने वाले दो समूहों के बीच संघर्ष संबंधी विवाद पीआईएल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दो वर्गों में यदि संघर्ष है, मैंने पहले ही बताया उनमें संघर्ष हो रहा है, तो कोई एक पक्ष पीआईएल दायर नहीं कर, दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष है वो पीआईएल दायर नहीं कर सकता। मेरी और आपकी लड़ाई है तो मैं पीआईएल दायर नहीं कर सकता, सिद्धांत बना हुआ। न्यायालय विशेष परिस्थितियों में आयोग और अन्य निकायों की नियुक्तियां किसी आरोप की जांच तथा तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से कर सकता है। न्यायालय ऐसी आयोग द्वारा अधिग्रहण की गई किसी सार्वजनिक संस्था के प्रबंधन को भी निर्देशित कर सकता है, किसी आयोग के काम को भी निर्देशित कर सकता है जो आयोग बनाया है। तो पीआईएल में उसके काम को भी निर्देशित किया जा सकता है पीआईएल के आधार पर। न्यायालय न्यायिक समीक्षा के ज्ञात दायरे के बाहर सामान्यतः कदम नहीं रखेगा। उच्च न्यायालय यद्यपि संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने संबंधी निर्णय दे सकता है, लेकिन उसे भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के प्रदत्त शक्तियां प्राप्त नहीं होगी। कुछ छोटी सिंपल बातें थी। देखो, पीआईएल दाखिल करने से संबंधित दिशा निर्देश क्या है कि आप जब भी आपको पीआईएल दायर करनी है तो पीआईएल कैसे दायर कर सकते हो। पीआईएल आज कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर धीरे धीरे इसमें विकृतियां भी आ रही है। कुछ लोग इसका लूप होल का फायदा उठाकर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। देखो, आजकल कई लोग ऐसे भी हैं भारत में, भारत एक महान देश है, इसमें भांति भांति के लोग हैं। जब भी कोई अच्छी चीज बनती है तो उसका दुरुपयोग भी साथ स्टार्ट हो जाता है, तो पीआईएल का भी कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। इसलिए धीरे धीरे पब्लिक जो पीआईएल है वो प्रचार हित याचिका के रूप में या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में परिभाषित। अब धीरे धीरे इसके नुकसान हो रहे हैं, तो लोग पीआईएल के अलग अलग नाम भी रखते हैं। जैसे धीरे धीरे ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया कि इसमें पब्लिसिटी मिलती है जब भी पीआईएल दायर करो, बॉय बहुत बड़ा वकील है ये, तो बहुत बड़ा व्यक्ति है पीआईएल। तो आजकल पब्लिक इसके नुकसान भी है, साथ साथ पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी पैदा हो गए लोगों के, तो राजनीतिक फायदे के लिए भी पीआईएल दायर की जाती है या प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, खुद के फायदे के लिए भी होती है। तो इसका नाम थोड़ा लोग इसके जो गलत यूज है उसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या हुआ है, इसका छवि खराब भी हुई है पीआईएल के मामले, लेकिन फिर भी अच्छा है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में टिप्पणी की है कि जनहित याचिका कोई गोड़ी नहीं है और नहीं हर एक मर्ज की दुआ है, इसलिए अनिवार्य आज से कमजोर और साधन ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई गोड़ी नहीं है जो सब कामों में इलाज कर देगी, इसका इलाज ये नहीं है, केवल इसका एक ही उद्देश्य कमजोर और साधनहीन व्यक्ति है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और पीआईएल का दुरुपयोग कभी किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब भी पीआईएल दायर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सोचता है कि इससे वास्तव में जनता को फायदा हो रहा है, तभी वो स्वीकार करता है पीआईएल। देखो, न्यायालय जरूरी और वैध पीआईएल को अवश्य प्रोत्साहित करे, लेकिन विशेषतर कारणों वाले पीआईएल को हतोत्साहित करे और रोके। ये भी सिद्धांत बना हुआ है कि पीआईएल को प्रोत्साहन किसको करना चाहिए, समाज का भला हो, बड़े वर्ग का भला हो, लेकिन ऐसे पीआईएल नहीं, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए, या यूं कहे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होना चाहिए जिसकी मैंने हम बात की थी। प्रत्येक व्यक्ति न्यायाधीश पीआईएल से निपटने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विकसित करने के स्थान पर एक ऐसे स्पष्ट और प्रमाणिक व्यवस्था का सूत्रण करे जो अति आवश्यक और वैध पीआईएल हो तो प्रोत्साहित करे, लेकिन अवैध पीआईएल को हतोत्साहित करे। वही बात आ रही है। पीआईएल संबंधी कुछ तथ्य है, वीडियो के अंत में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने चाहिए। जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है, पहली बात है, लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वो जनहित याचिका को स्वीकार करे या नहीं करे। अगर मुख्य न्यायाधीश को कोई मामला जनहित में उतना महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ता है तो वे अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर याचिका स्वीकार कर लिए जाते हैं तो याचिका दायर करने वाला व्यक्ति चाहे तो खुद भी कोर्ट में बहस कर सकता है या फिर अपने वकील के द्वारा भी बहस करवा सकता है। देखो, सिंपल सी कहानी है, पीआईएल जनता की भलाई के लिए है और पीआईएल है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो स्वीकार करेगा कि जनहित याचिका स्वीकार करनी है या नहीं करनी है। और मुख्य न्यायाधीश कोई मामला जनहित में उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो कैंसिल भी कर सकता है, और साथ ही साथ यदि अगर जनहित याचिका दायर कर दी है तो उसमें खुद
आप जिन्होंने जनहित याचिका दायर की है वो खुद केस लड़ सकता है या अपने वकील के द्वारा। देखो सब मामलों में ये है, किसी भी मामले में भारतीय संविधान में ये है कि जैसे आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप वकील नहीं कर रहे हो तो आप अपनी सुनवाई आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। इसी तरह PIL में भी ये छूट दी गई है कि PIL दायर करने वाला व्यक्ति खुद केस में वाद दायर करने के बाद में उसकी क्या बोलते हैं बहस कर सकता है, और साथ यदि खुद नहीं करना चाहे तो वकील के द्वारा भी बहस करवा सकता है। तो ये तो PIL छोटी सी कहानी थी PIL की कि वास्तव में PIL होता क्या है, जनहित याचिका क्या होती है। ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी बातें, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें इसमें आई थी जो आपको याद हो गई है। मुझे पता है यहां तक आपने वीडियो देखा है तो पूरी बातें नहीं तो लेकिन 80% कुछ बातें आपको याद रखनी है जो आपको रट्टा मारने की आवश्यकता होती है। ये था आपका PIL या जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता की बात। इसमें से कौन सी बातें आपके नहीं समझ में आई तो उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर PIL दायर कर सकते हो। एक नए वीडियो जो आपके लिए उपयोगी होगा वो लेकर आऊँगा। जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। एक नए वीडियो जो इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित होगा उसको लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।